हाय एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक बार फिर से एक नई यूएस हेल्थ केयर रिक्रूटर की जॉब की अपडेट लेके आए हैं। फ्रेंड्स, देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द पोजीशन ऑफ यूएस हेल्थ केयर रिक्रूटर एंड दिस इज अ 100% वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी एंड दिस जॉब इज फॉर प्लेटिनस टेक्नोलॉजीज एंड दिस कंपनी इज लुकिंग फॉर फ्रेशर। दिस जॉब इज फॉर फ्रेशर्स। फ्रेंड्स, इफ यू हैव एटलीस्ट और मैक्सिमम बैचलर डिग्री और मिनिमम बैचलर डिग्री, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो फ्रेंड्स, ये जो जॉब है ये एक यूएस हेल्थ केयर रिक्रूटर की जॉब है और ये एक 100% वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो ये जॉब आपके लिए है। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर फार्मास्यूटिकल रिलेटेड या हेल्थ केयर रिलेटेड, या आप के पास बेसिक हेल्थ केयर का की अंडरस्टैंडिंग है या अच्छा नॉलेज है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा इस जॉब में आपको फार्मास्यूटिकल जो भी क्लाइंट्स है उनको आपको सपोर्ट देना, उनकी जो भी फार्मा क्लाइंट्स जो है या हेल्थ केयर क्लाइंट्स है उनकी ओपन जॉब पोजिशन जो है उस उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको कैंडिडेट सर्च करना है और फार्मा क्लाइंट को या डायरेक्ट क्लाइंट को सबमिट करना है। इसमें आपको एंड टू एंड रिक्रूटमेंट करना है या एंड टू एंड यूएस हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट करना है। आपको इसमें कैंडिडेट के रेज्यूमे को स्क्रीन करना है, सोर्स करना है, इंटरव्यू करना है, कैंडिडेट को कॉल करना है, सैलरी नेगोशिएट करना है और क्लोज करके क्लाइंट को सबमिट करना है। इसमें इस जॉब में आपको जॉब पोर्टल चलाने की, एटीएस चलाने की और कैंडिडेट कैसे सर्च किया जाता है, कैसे कैंडिडेट को कॉल किया जाता है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस जॉब का लिंक मिलेगा। जस्ट उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और सिंपली अप्लाई कर देना है।